हेलो एवरी वेरी वॉम वेलकम टू माई चैनल लर्निंग विद कोमल तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यूनिट वन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर्स हम एक्सप्लेन करेंगे इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाली हुई है जिसपे मैंने टोटल फाइव क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे जो हमारे सैम्पल पेपर में गिवन है आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कितने क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उन सब की भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी वीडियोस वाले सेक्शन में आप चेक करें और चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स गिवन है यानी कि उसके बाद वाला ही जस्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात हो रही है कॉरपोरेट गवर्नेंस इज़ अ सिस्टम विच इन्श्योरस दैट कंपनीज आर मैनेज इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी स्टोक होल्डर्स डिस्कस करना है कि कॉरपोरेट कॉरपोरेट गवर्नेंस जो है वो एक सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि कंपनीज़ जो है वो यू you नो know, कुछ इस तरीके से यू you नो know, कुछ बेस्ट वे में मैनेज हो रही हैं जिसमें सभी स्टोक होल्डर्स का इंटरेस्ट भी है तो इसको हमें डिस्कस करना है तो बोला गया कि इट इज़ ऑब्वियस दैट कॉरपोरेट गवर्नेंस इज़ अ सिस्टम विच एन्श्योर दैट कंपनीज आर मैनेज इन दी बेस्ट इंटरेस्ट कि बोला गया कि ये जाहिर सी बात है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जो ये इंश्योर करता है कि हमारी जो कंपनीज़ है वो स्टेक होल्डर के बेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेज्ड होनी चाहिए तो ऑब्जेक्टिव क्या है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना तो सीम्स टू बी एन अनकंट्रोवर्शियल एम ऑन थियोरिटिकल ग्राउंड बट इन प्रैक्टिकल मीनिंग देर आर थ्री बेसिक स्टेक होल्डर इन अ फर्म तो यहाँ पे एक वर्ड बोला गया स्टेक होल्डर नॉट स्टॉक होल्डर ठीक है क्या बोला गया स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर क्या स्टेक होल्डर का मतलब हमारे शेयर होल्डर भी हो गए हमारे प्रोफेशनल उनमें मैनेजर्स भी हो गए कंपनीज के और कंपनीज के क्रेडिटर्स भी हो गए ये सब मिलके स्टेक होल्डर होते हैं एक कंपनी के जिनका इंटरेस्ट होता है उस कंपनी में राइट right? तो इनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना एक ऑब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव जो होता है इन तीनों ही स्टेक होल्डर्स का आर ऑफन वेरी डिफरेंट मतलब थोड़ा अलग होता है डिफरेंट होता है और बोला गया कि रिजल्टिंग इन कन्फ्लिक्ट अमंग दैम और इससे क्या होता है एक तरीके से इन तीनों स्टेक होल्डर्स के बीच यू नो कन्फ्लिक्शन भी आ जाता है थोड़ी यू नो डिफ्रेंसेस की वजह से लाइक like, बोला गया कि मैनेजर्स मे टेक डिसीजन दैट आर इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट है ना तो स्टेक होल्डर कौन शेयर होल्डर हो गए आपके मैनेजर हो गए जो कंपनी को संभाल रहे हैं मैनेज कर रहे हैं तो अब मैनेजर वो देखो काम डिसीज़न लेने का काम किसका होता है मैनेजर्स का होता है ना तो अब मैनेजर्स जो हैं वो डिसीज़न लेते हैं क्या पता अपने यू you नो know, अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए और वो जो है इससे क्या होता है फिर कि शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स जो है वो ज़्यादा खुश नहीं होते यू नो अनहैप्पी हो जाते हैं ना खुश होते हैं तो प्रॉब्लम में भी

वो कंपनी को कुछ इस तरीके से गवर्न करें ताकि उनमें सभी स्टेक होल्डर्स का फायदा हो उसी को ही हम कॉरपोरेट गवर्नेंस बोलेंगे ठीक है अगर मैनेजर सिर्फ अपना अपना फ़ायदा देखेंगे बाकी स्टेक होल्डर्स का फ़ायदा वो नहीं देखेंगे तो इससे कन्फ्लिक्ट पैदा होगा और उस कंपनी में फिर कौन पैसा लगाएगा तो सभी को खुश रखना है सभी को सेटिस्फाई रखना है आ, कुछ वे में ये नहीं कि सिर्फ अपनी अपनी इंटरेस्ट देखना ऐसा नहीं करना तो वही हमारा कॉरपोरेट गवर्नेंस है नेक्स्ट आता है हमारा वट डू यू मीन बाय बिज़नेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या है इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है तो सबसे पहले रिस्क का मतलब क्या होता है पॉसिबिलिटी ऑफ ए फ्यूचर लॉस कि हम यू नो विच कैन बी फोर सीन कि रिस्क क्या है कि एक तरीके से ये संभावना है कि आपको फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो रिस्क एज सच फाइनेंशियल और अदरवाइज कैन वेल बी प्रिडिक्टेड तो रिस्क को आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि हाँ भाई हो सकता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में या इस सिचुएशन में लॉस हो सकता है फ्यूचर में तो यूजुअली इन बिजनेस अकाउंटिंग सुटेबल प्रोविजंस आप बनाते हो उस रिस्क के लिए है ना जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट तो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा गया डाउटफुल हम ये अकाउंटिंग में करते आते आते थे हमें लगता था कि कोई हमारा जो डेटर है वो हमको पैसे नहीं चुकाएगा तो हम उसको डाउटफुल की श्रेणी में डाल देते थे और उसके रिगार्डिंग हम प्रोविजन बना देते थे है ना डेटर में से हम इतने पैसे माइनस कर देते थे और दिखाते थे कि ये हमारा डाउटफुल डेटा है यहाँ से हो सकता है पैसे हमारे वापस नहीं आएंगे तो ये क्या है हमने पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया अपने रिस्क को उसके बाद बात कर लेते हैं बिजनेस रिस्क की और फाइनेंशियल रिस्क की बिजनेस रिस्क का मतलब क्या इट इज़ वेरिएबिलिटी इन द एक्चुअल अर्निंग ऑफ ए फर्म फ्रॉम दी एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ ए फर्म देखो फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको इतना वो कमा लेगी लेकिन एक्चुअल में वो कितना कमाती है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बिजनेस रिस्क है मान लो कि फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि वो टेन परसेंट नेट प्रॉफिट कमाएगी जो भी उसने कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर लाइक उसने कैपिटल लगाई हुई है दस लाख तो दस लाख पे वो दस परसेंट प्रॉफिट कमा लेगी बट मान लो कि एक्चुअल में वो सिर्फ आठ परसेंट ही कमा पाती है या वो तेरह परसेंट ही तेरह परसेंट तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया बढ़िया बात है ये तो और कमा पाती है तो इट इज़ सेड दैट फर्म इज एक्सपोज टू बिजनेस रिस्क तो इसी को हम क्या बोलेंगे बिजनेस रिस्क बोलेंगे तो चेंज इन एक्चुअल परफॉर्मेंस में वेरी फ्रॉम दी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ड्यू टू ए नंबर ऑफ रीज़न अब ऐसा क्यों होता है हम एक्सपेक्ट करके चले थे कि हमको इतना प्रॉफिट होगा लेकिन इतना होता नहीं है तो उसके क्या रीज़न है पहला इंटरनल रीज़न भी हो सकते हैं यानी कि ऐसे इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं कि मान लो हमारी मशीनरी अच्छी नहीं है या हमारे लेबर स्किल्ड नहीं है है ना ये इंटरनल फैक्टर हो गया एक्सटर्नल में हो सकता है कि भाई कॉम्पिटिटर आ गया है ना आजकल कल कॉम्पिटिशन का ज़माना है आपकी कंपनी का जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके रिगार्डिंग कोई दूसरा कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया जिससे आपकी सेल कम हो गई सेल कम होगी तो नेट प्रॉफिट कम हो गया तो अब अकॉर्डिंगली ये हमारे क्या होते हैं इंटरनल बिजनेस रिस्क और एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क इंटरनल बिजनेस रिस्क में क्या आएगा लाइक like, आपका प्रोडक्शन रुक गया क्यों क्योंकि लेबर ने हड़ताल कर दी स्ट्राइक कर दी या फिर शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई है ना कि बिजली नहीं आई जिस वजह से काम रुक गया ये इंटरनल हो गए आपके बिज़नेस रिस्क एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क की बात करें तो डिमांड में चेंज आ गया प्राइस रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ गया तो जिसकी वजह से आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ा तो इससे क्या होता है फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है तो इंटरनल बिजनेस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो लाइक आप यू you नो know, अगर लेबर स्ट्राइक कर रहे हैं तो इनको आप यू नो समझा बुझा के जैसे भी को सेटिस्फाई करके मना के इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो या अगर शॉर्टेज आ रही है सप्लाई की तो उसके भी इंतज़ाम आप कर सकते हो लेकिन जो एक्सटर्नल बिजनेस रिस्क है वो एक फर्म ईजीली मैनेज नहीं कर सकती है ना क्योंकि अब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया अब इसमें आप क्या कर लोगे राइट right? कम तो नहीं करवा पाओगे ना आप ही तो पीछे से इंडस्ट्री से ही बढ़ गया है रॉ मटेरियल का प्राइस तो ये बिज़नेस रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क की बात करें तो इट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेट इन दी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म देखो एक फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है अब फर्म जो है वो कहाँ से अपनी कैपिटल लगाएगी है ना हमारे सोर्सेज होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं बोरोड फंड या यू नो शेयर इशू कर दिए या उधार ले लिया इस टाइप से कैपिटल स्ट्रक्चर होता है एक फर्म का तो अब ये जो फाइनेंशियल रिस्क है ये डेट की वजह से होता है यानी कि उधार की वजह से होता है फर्म विद हायर इनपुट ऑफ डेट इज ऑलवेज कंसिडर रिस्कअर फर्म देन हैविंग अ फर्म लोअर डेट कंटेंट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर बोथ हैविंग द सेम क्वान ऑफ कैपिटल देखो एक होती है हमारी बोरोड कैपिटल एक होती है हमारी शेयर कैपिटल है ना तो अब जितनी ज़्यादा बोरोड कैपिटल होगी तो आपको ना उनको लगातार उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जब आप उनको लगातार इंटरेस्ट ही पे करते रहोगे तो फर्म का फ़ायदा ज़्यादातर क्या होगा इंटरेस्ट में ब्याज चुकाने में चला जाएगा तो इससे क्या होगा इससे एक तरीके से फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा मतलब कि फर्म के पास आगे और काम करने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा क्यों क्योंकि ब्याज में जा रहा है उधारी इतनी ले रखी है तो इंटरेस्ट जो होता है ना वो फिक्स होता है एक फिक्स फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है कि आपने लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा वहीं अगर हम बात करें कि अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी तो फर्म जो है इंसॉलमेंट डिक्लेयर हो जाएगी यानी कि दिवालिया डिक्लेयर हो जाएगी और फिर उस फर्म में कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा एक तरीके से कह सकते हैं वो फ़र्म बर्बाद हो जाएगी उसके बाद रिस्क के बारे में बताया गया यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है टेबल ये दिखा रही है कि फैक्टर कोजिंग रिस्क तो कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से बिजनेस रिस्क तो नहीं होता लेकिन फाइनेंशियल रिस्क जरूर होता है प्रोडक्शन के कारणों की वजह से बिजनेस रिस्क हो सकता है जो अभी हमने पढ़ा इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क लेकिन फाइनेंशियल रिस्क नहीं होएगा डिमांड की वजह से बिजनेस रिस्क हो सकता है तो ये अभी हमने पढ़ा ये दोनों ही चीज़ें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना क्या होता है बहुत सारे यू नो वेरियस मेथड्स हैं जिसपे जिससे कि आप अपने रिस्क को मेजर कर सकते हो देर इज़ अ सर्टेनली अ रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न देखो रिस्क और रिटर्न इन दोनों में ना रिलेशन होता है और दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं अगर रिस्क है तो रिटर्न भी है रिटर्न है तो रिस्क भी है तो बोला गया रिटर्न एट जीरो रिस्क सबसे पहले बात की गई रिटर्न एट जीरो रिस्क की इसका मतलब क्या विच इन प्रैक्टिकली रेयरली अक्कर अब ऐसा हो सकता है कि रिस्क ना हो बिजनेस में जीरो रिस्क कभी भी नहीं होता तो बोला गया प्रैक्टिकली ये रेयर है आ, कि बिल्कुल ही रिस्क नहीं है जीरो लेवल पर रिस्क ऐसा नहीं होता दिस मीन्स रिटर्न वेयर ए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व नो रिस्क यने का मतलब है कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिस पे कोई रिस्क है ही नहीं वहाँ से तो पैसा आएगा ही आएगा तो ऐसा जनरली नहीं होता रिस्क तो हर जगह होता है नंबर टू बोला गया बिजनेस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न इसके बारे में बोला गया कि बिज़नेस रिस्क में कवर फैक्टर सच एज वेरिएशन इन सेल्स अब जो बिज़नेस रिस्क है वो यू नो कवर कर सकता है फैक्टर्स को लाइक like. सेल्स में अगर कोई वेरिएशन आ रहा है या कंज्यूमर्स के द्वारा जो प्रोडक्ट आपके एक्सेप्ट हो रहे हैं उसमें अगर कोई यू नो रिस्क क्रिएट हो रहा है तो इफ़ अ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट इज सच दैट इट हैज़ मोर देन द नॉर्मल रिस्क देन द बिजनेस विल एक्सपेक्ट हाइयर रेट ऑफ बोला गया कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा रिस्क है तो एक बिजनेस हाई रेट ऑफ रिटर्न उससे एक्सपेक्ट कर सकता है कहते हैं ना हाई रिस्क हाई रिटर्न ठीक है लो रिस्क लो रिटर्न तो उसी हिसाब से हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न भी आते हैं नंबर थ्री हमको बोला गया एडजस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल रिस्क तो सच रिस्क में अराइज फ्रॉम फैक्टर सच एज कैपिटल स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं और सर्टेनली अ फॉम बिजनेस हैविंग लार्जर डेट प्रोपोर्शन इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में एक बिजनेस का जब डेट प्रोपोर्शन जो वो ज़्यादा हो जाता है यानी कि उधार आपने ज़्यादा ले लिया है तो इससे यू नो रिस्क तो क्रिएट होता ही है अगर आप उधार लोगे तो और इसका मतलब आपका पैसा आपके पास ज़्यादा आ रहा है और पैसा ज़्यादा आ रहा है तो प्रोजेक्ट में लगा रहे हो तो हाई रेट ऑफ रिटर्न भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अब यहाँ पे हमको ना रेट ऑफ रिटर्न अगर आपको मेजर करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है इसको याद कर लीजिए आर ज़ीरो प्लस बी प्लस एफ ठीक है तो आर 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 यानी कि हमारा रेट ऑफ़ रिटर्न आप मेजर करोगे तो कैसे करोगे आर जीरो का मतलब है कि रेट ऑफ रिटर्न विद जीरो रिस्क वो लोगे प्लस बिजनेस रिस्क लोगे पर प्लस फाइनेंशियल रिस्क लोगे इससे आपका रेट ऑफ रिटर्न आप कैलकुलेट कर लोगे अगर मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया और उनमें आपको ये टर्म्स गिवन हो आर जीरो की गिवन हो बिजनेस इसकी वैल्यू गिवन हो फाइनेंशियल रिस्क की वैल्यू गिवन हो तो इस फॉर्मूले में पुट कर देना आपका रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एक्सप्लेन द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को हमें एक्सप्लेन करना है तो बोला गया कि एवरी फाइनेंशियल डिसीजन हैज़ टू एस्पेक्ट हर फाइनेंशियल डिसीजन के दो पहलू होते हैं पहला द रिस्क एंड दूसरा द जो है वो रिटर्न तो रिस्क एंड रिटर्न एक साथ चलते हैं और इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होता है द रि फ्राम अ डिसीजन एंड रिस्क इट ब्रिंग्स इन टू ए फॉर्म तो अब देखो दोनों ही जो है काफ़ी एक साथ चलते हैं दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होता है डिसीजंस में भी एंड रिस्क कोट्स द वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न जो रिस्क है वो यू नो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है उनकी वेरिएबिलिटी Uh, को भी देखता है कहने का ये मतलब है कि आपने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करी आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप सोच के चल रहे हो उस और रिस्क जो आप सोच के चल रहे हो उनमें वेरिएबिलिटी भी आ सकती है यानी कि डिफरेंसेस भी पाए जा सकते हैं तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इज़ रिस्की अब इक्विटी शेयर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो रिस्की है लेकिन जो उसके रिटर्न है वो वेरिएबल हैं आपको अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं और आपको बुरे रिटर्न भी मिल सकते हैं तो रिटर्न जो है वो डायरेक्टली कह सकते हैं एसोसिएटेड विद अ डिसीज़न इज़ मेजर्ड तो अब अगर आप जो भी आप डिसीज़न लेते हो इन्वेस्टमेंट का उसी से आपका रिटर्न जुड़ता है तो एज द टोटल गेन और लॉस एक्सपेक्ट जो भाई आप कर रहे हो वो उस पर डिपेंड करता है तो जो फाइनेंस मैनेजर है वो कभी भी रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता ना ही वो यू नो डिसीज़न ले सकता है बिना रिस्क का सोचे मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ये सोचे कि मुझे तो रिटर्न ही होगा मुझे तो कुछ मिलेगा ही बदले में मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ तो ऐसा नहीं होता आपको रिस्क को भी मेजर कर रहा है तो देर इज डायरेक्ट को रिलेशन को रिलेशन होता है इन दोनों के बीच रिस्क एंड रिटर्न के बीच में एक यू नो एक कहते हैं ना को रिलेशन है ये एक दूसरे के बीच के बिना अधूरे हैं कह है सकते हैं तो एफ एम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर ऑफन रिक्वायर टू ट्रेड ऑफ तो अब इनको ट्रेड ऑफ़ करना होता है रिस्क एंड रिटर्न के बीच एक प्रॉपर बैलेंस आपको बनाने की जरूरत है जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सर इस बैलेंस को ही हम क्या बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ तो अब रिस्क को आप मिनिमाइज़ कर सकते हो रिटर्न को आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो यहाँ पे हमें एक चार्ट गिवन है बोला गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर फाइनेंशियल डिसीजन अगर आपको अपने शेयर की मार्केट वैल्यू को बढ़ाना है फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन वर्किंग कैपिटल डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन और इससे आप जो है ट्रेड ऑफ कर लेते हैं चलिए आज की वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब कवर करेंगे थैंक यू सो मच